মুই সুরাপুরি বেটি মুই জন্ম লিনুতে কারো মুখত খুশি তে কারো মুখত উদাসীছে ক্যা বাবা মোর জন্মোত তুই খুশনিছিস ক্যা মাথা হাঁথ দে উঠেছিস মত উপর বালার দেনছি সবার দু মেহমানছি আজ ঘোড়োত কেড়া লোক খুশনি কি পহলে সে মোর দুইরা বহিনছে মোর ভাই হইলে তে সবগিন খুশ ছিলেন তে ক্যা आज कहरा लोग खुश नहीं ओ अच्छा अब समझीनू मुक्ते बिलवा हबे अपना धर्म कर्म तोक निभवा हबे दान दहेज दुआ हबे बस कुछ कोहबा चाची अपना दिलेर बात तो समझुआ चाची सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है ये जो आप सुरजापुरी बोली में कविता सुन रहे थे एक सुरीली आवाज़ और सुरीली हस्ताक्षर साहित्य के दुनिया के हमारे साथ मिली कुमारी जी हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर सीमांचल में जी धन्यवाद सुरजापुरी बोली को नया आयाम देने में आप लगी हुई हैं तो आप लेखन के क्षेत्र में कैसे आई और इस क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे बनी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए जी मुझे बचपन से ही लिखने और पढ़ने में रुचि रही है मैं लिखती थी लेकिन अभी विगत एक वर्षों से मैं अपनी कविताएं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रही जी बिल्कुल आप मिली जी से वाकिफ़ होंगी अगर आप फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर अगर चलाते हैं या इंस्टाग्राम तो मिली जी अपनी मन की भावनाएँ सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और जिससे भी वो भावनाएँ जुड़ती है उसको कमेंट्स दे करके इन्हें इनकी हौसला अफजाई करती है और ये लगातार लिखती जा रही हैं तो आज के दिन में आप क्या क्या लिखी हैं इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए जी मैं हिंदी कविताएं लिखती हूँ और साथ ही मैं सूर्जापुरी कविताएं भी लिखती हूँ बिल्कुल तो इसमें आप कविताएं सिर्फ लिखती हैं या शॉर्ट स्टोरी भी लिखती हैं या फिर बड़ी स्टोरी भी लिखती हैं जी मैं कविताएं, आर्टिकल्स एंड स्टोरीज भी लिख रही हूँ लेकिन मतलब आप जो इलाके के हालात हैं उसको आप लेखन के जरिए सामने में लाती बिल्कुल तो मेरा ये चेष्टा रहता है कि मैं रूरल uh, एरिया जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का रहन सहन है हाँ। जी बिल्कुल हाँ। मैं उनको अपनी कविताओं और कहानियों के द्वारा सामने लाती हूँ बिल्कुल बिल्कुल तो वो कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज़्यादा आपको आकर्षित कर रहे हैं? जी सबसे पहला तो हमारे सीमांचल की बात करूं अगर मैं सीमांचल से हूं मैं किशनगंज से हूं और अगर सीमांचल की बात की जाए तो हमारे सीमांचल में अभी लड़कियों का मुद्दा जो लड़कियों का शिक्षा है दहेज है ये सारी ऐसी हैं है। जी बिल्कुल कुप्रथाएं हैं है जो जिसे आप मिटाना चाहती हैं या जी, फिर जी. जिसके प्रति लोगों को जागरूक करना जी, चाहती हैं जी जी बिल्कुल चल, बिल्कुल नीतीश कुमार के आइडिया पर चल रही है आप <laughs> वो भी आजकल दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान चला रहे हैं है ना बाल विवाह उन्मूलन अभियान चला रहे हैं तो बहुत अच्छी कोशिश है आपकी नील कुमारी जी अक्सर हम आपको देखते हैं आपके पोस्ट को भी पढ़ते हैं आप बिल्कुल लोकल बोली में लिखते हैं जी यानी सुरजापुरी बोली में जी लोग तो हिंदी उर्दू इंग्लिश में लिखते हैं जी तो ये तो खांटी माटी की एकदम जो आवाज़ है वो आप है जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि सुरजापुरी में लिखने की वजह या फिर सुरजापुरी के को एक नई पहचान दिलाने के पीछे जो आपका जो प्रयास है इसके बारे में बताइए जी मैं सुरजापुरी में कविताएं लिखती हूँ मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं अपने सीमांचल के जनमानस से जुड़ना चाहती हूँ उनके मुद्दों को अपने कविताओं के जरिए अपने स्थानीय भाषा सुरजापुरी के जरिए लोगों के बीच रखना चाहती हूँ बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है आपकी तो अब तक कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको जी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सीमांचल में मेरे भाइयों से मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है और इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है बहनों की कहानियाँ कहती हैं भाइयों से आपको प्रेरणा मिलता है जी बहनों बहनों का भी समर्थन मिलता है चलिए बड़ी खुशी की बात है तो आप अब तक जो आप लिखी हैं उनमें से कुछ ऐसी कहानियाँ या कविताएँ हैं जो आपको लगता है बेहद दिल के करीब है उसका कुछ पंक्ति या कुछ अंश लोगों को सुनाना चाहें तो वो सुना सकती हैं बताना चाहें तो बता सकती है जी मेरी एक कविता है जब लड़की अपने मायके से ससुराल जाती है अक्सर ऐसा होता है कि ये लड़कियों की भावनाएं हैं कि शादी के बाद लड़कियां जब ससुराल से मायके आती हैं कुछ दिन रहती है तो उनका थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है फिर वो जब अपने मायके से ससुराल जाती है तो ए, उनकी जो भावनाएं हैं मैं अपनी कविता के द्वारा आप के बीच रखना चाहती हूँ बाबा मुक इरा घोड़ोत राखे ले फिर से अपना बेटी बनाए ले ना जबा दे उड़ा जहानोत जेठिन तोर बेटिर मान नी ना जबा दे उड़ा आसियानोत जेठिन तोर बेटिर सम्मान नी बाबा मूक इरा घोड़ोत राखे ले फिर से अपना बेटी बनाए ले ती बोली लो बाबा कि मोक पढ़ाबो अपना बेटी एक मास्टरनी बनाबो उठिन मोक पोरेर बेटी कहाल जहा, तोर बेटी हर दिन बातें मार मारल जहा। बाबा मूक इरा घोड़ोत राखे ले फिर से अपना बेटी बनाए ले तो मिली जी हमारे साथ बनी हुई है और आप भी हमारे साथ बने रहिए और भी कुछ बातें होंगी तो मिली जी आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि सुरजापुरी में लिखना कितना टफ है या कितना आसान है इसके बारे में कुछ बताइए लोगों को जी अगर आपके अंदर चाह हो तो कुछ भी टफ़ नहीं है मैं ये सबसे पहले बोलना चाहूंगी सही बात अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आप सुरजापुरी ही क्यों किसी भी लैंग्वेज में अपनी भावनाओं को लोगों के बीच रख सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं बिल्कुल लेकिन आपको ये नहीं लगता कि सुरजापुरी बोली में लिख करके आप अपना दायरा सीमित कर रही हैं ऐसा लगता है आपको जी मैं हिंदी कविताएं भी लिखती हूँ लेकिन मेरा सर्वप्रथम जो है मैं अपने सीमांचल के लोगों से जुड़ना चाहती हूँ अपने सुरजापुरी भाषा को उभारना चाहती हूँ बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है आपकी आपके जज्बे को सलाम है और ये उस इलाके के लिए खास करके एक प्रेरणा की बात है कि सुरजापुरी बोली को नई पहचान दिलाने के लिए इस तरह से लेखक और लेखिका को उभरने की ज़रूरत है तो अब तक आप कोई किताब या फिर कुछ ऐसा मुशारा या कहीं पे अभी तक जी मैं अभी तक इन सभी चीज़ों में दूर रही हैं अभी दूर रही हूँ जी बिल्कुल लेकिन इरादा है कि आप लेख लेखन कार्य करेंगे एकदम परमानेंटली या फिर किसी मुशायरे में या कविता पाठ करेंगे आप जी ऐसा इरादा मेरा है। मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं वहाँ पहुँचूँ और, और सुरजापुरी बोली में अपनी बात अप। जी बिल्कुल अपनी सुरजापुरी भाषा को रिप्रेजेंट करूँ विभिन्न क्षेत्रों में मैं चाहूंगी जरूर चाहूँ बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ लगे हाथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सुरजापुरी की जब बात आती है तो वहाँ पे भी जन समस्याएँ हैं महिलाओं की समस्याएँ हैं बहुत सारी समस्याएँ हैं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप जो दुनिया को बताना अगर चाहती हैं तो उन मुद्दों को आप रख सकते हैं जी बिल्कुल हमारे सीमांचल का तो सबसे बड़ा मुद्दा जो शिक्षा है महिलाओं का शिक्षा मैं अभी कुछ दिन पहले मैं सीमांचल के कुछ क्षेत्रों में गई थी मैंने अपने अनुभव भी फेसबुक पे शेयर किया है अपने एक आर्टिकल के द्वारा तो मैंने देखा वहाँ छोटी छोटी लड़कियों की शादी करा दी जाती है वो ठीक तरह से शिक्षित नहीं होती है कोई फाइव क्लास पढ़ी हुई है कोई एट क्लास पढ़ी हुई है और ना ही उनका एज होता है शादी आप कह सकते हैं बाल बाल विवाह हाँ। बाल विवाह कह सकते हैं जी जी तो मैं इन सभी मुद्दों को लेके आगे बढ़ना चाहूंगी जी वहाँ पे विकास का भी मसला एक बहुत अहम मसला है हेल्थ का मसला है जी जी बिल्कुल तो इस पर भी आप लिखती रहती हैं जी मेरी प्रयास यही रहती है कि मैं अपने क्षेत्र के मुद्दों को सीमांचल के हमारी बहनों का जो भी भावनाएं हैं उनको मैं अपनी कविता के द्वारा लोगों के बीच रखना चाहती हूँ चलिए बहुत अच्छी सोच है आपकी लेकिन अभी तक आप अकेली हैं आप नहीं चाहते हैं कि आपके भी समकक्ष लोग आएँ सुजापुरी बोली को एक नई पहचान दिलाएं एक अभियान में जुड़े जी जी बिल्कुल मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारे सीमांचल की जितनी बहनें हैं आप आगे आएँ आपके अंदर जो भी प्रतिभा है मैं लेखने की बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ आपके अंदर जो भी प्रतिभा है बेझिझक आगे आए क्योंकि मैं भी कुछ साल कुछ साल पहले ये सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे मुझे अपनी प्रतिभा को आगे लाना चाहिए या नहीं चाहिए लेकिन जब मैं सोशल मीडिया में अपने पोस्ट अपनी कविताएं अपलोड करने लगी तो लोगों का समर्थन मिला आप जब तक बंद रहेंगी अपनी प्रतिभा को अपने अंदर रखेंगी तब तक आपको लोग जानेंगे नहीं आपकी प्रतिभा की सराहना नहीं करेंगे जी बिल्कुल सही बात है आ, लेकिन अनवांटेड कमेंट्स भी तो मिलते होंगे जी जी बहुत उससे कैसे पार पाती है जी मैं इन चीज़ों को इग्नोर करती हूँ और आपको पता है जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ बुरी चीज़ें भी है वो आप पे डिपेंड है कि आप उनको अच्छी चीज़ों को लेते सकते हैं या आगसे? बुरी चीज़ों को बिल्कुल, जी, बिल्कुल सही बिल्कुल, बात है लेकिन बहुत लोग इसी सोच की वजह से डिस्करेज हो जाते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को जनता के सामने में नहीं ला पाते जी जी बिल्कुल उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके अंदर जो है आप उन उसको आगे लाए प्रतिभा को निखारें जी, निखा जी, अपनी प्रतिभा को निखारे आप लोगों की बातों पे रहेंगे तो फिर आप अपनी प्रतिभा को बिल्कुल नहीं आगे ला पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और खास करके सीमांचल की बेटियाँ हमारे यहाँ आपको लगता है की जिस समाज में आप रहती हैं वहाँ पे वुमेन्स को उतनी लिबर्टी शायद है या नहीं जितनी होनी चाहिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल हमारे सीमांचल की बात करूँ तो लड़कियाँ अभी भी बहुत पीछे हैं बहुत पीछे हैं और ऐसी भी बहुत लड़कियाँ जो अब आगे आगे आ रही हैं जैसे टेंथ ट्वेल्थ की अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुई है तो रिजल्ट तो आना ही और हमारे बिहार में हमारे सीमांचल के बहुत छात्र छात्राएं हैं जो आगे आते हैं हाँ खेल के भी क्षेत्र में आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं डॉक्टर इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं लेकिन वो ट्रेडिशनल एक अप्रोच के साथ कर रहे हैं जी, कोई पॉलिटिक्स में आना चाहे तो उनका लेग पुलिंग होता है इसी तरह से कोई मंच पर जाना चाहे आप ही के तरह जी, तो उस पर भी बहुत छीटाखसी होती है लेकिन वहाँ के लोग दूर प्रदेश से भी अगर कोई महिला आए और उनको दो नज्म सुना दे वाह हवाई खूब लूटते लेकिन माटी की बेटी अगर कुछ कहे जी तो उसको उतनी अप्रिसन नहीं मिलता है इस पर क्या कहेंगे आप जी एप्रिसिएशन की बात करूँ तो अब तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है बल्कि मुझे बहुत सराहना मिल रही है मेरे ए, काम को बहुत सराहना मिल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी जो मेरा उद्देश्य है सूर्जापुरी भाषा को हमारे स्थानीय भाषा को उभारने का अपने कविताओं अपनी कहानियों के द्वारा तो मुझे समर्थन मिल रहे हैं चलिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज में बेटियों को वो मुकाम मिलने जा रहा है जिसकी वो तलाश है और इस मामले में लोग काफ़ी लिबरल सोच रखते हैं है ना बिल्कुल तो सुजापुरी बोली को लेकर के अब तक कहाँ कहाँ गई आप दिल्ली मेरठ, पंजाब जैसे लोग जाते हैं ना तो आप किस किस मंच में इन, मतलब अपनी लोक बोली को रखें इसके बारे में अगर कुछ है आपका पास्ट एक्सपीरियंस तो बताइए जनता को जी मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है अब तक लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे जहाँ पे भी मौका मिले आप उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल अपनी भाषा को आगे लाना चाहूंगी तो बिल्कुल बहुत सही बात है अब लगे हाथों तो ये भी जानना चाहेंगे कि आप किशन में रह कर के इतना जो एक अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हैं ये बहुत बड़ी बात है तो लोग जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई वगैरह कहाँ से हुई कैसे हुई बैकग्राउंड क्या है आपका ये भी ज़रा बताइए जी मैं अपनी पढ़ाई प्राथमिक पढ़ाई से लेकर मेरी जो स्नातक की पढ़ाई है मैं किशनगंज से ही की जी बिल्कुल लेकिन साहित्य में तो आपका मतलब आपका कुछ डिग्री वगैरह नहीं है फिर भी आप साहित्य की छात्रा हैं ये बहुत बड़ी जी, बात जी, है जी तो पोलिटिकल साइंस से सीधे इसमें आ गई जी मेरा मोटिव है मोटिव तो नहीं, नहीं। मैं बचपन से ही वकील बनना चाहती हूँ और ये सोच के मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया तो था ये थी और मिली कुमारी ये हमारा दोस्त कार्ड कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा हमें और मुशरफ़ को दीजिए इजाज़त थैंक यू शुक्रिया